अरे अंजलि, मैं तेरे को कितनी बार बोला जा मेरे बाटली से दो क्वार्टर दो घुट मार ले। क्या बाबूजी, आप भी तो पागल हो रहे हैं क्या? आप मुझे दारू पीने के लिए सिखा रहे हैं? आप यहाँ से जाओ, मुझे आप अकेला छोड़ दो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रत्ती सिन्हा। तो आज मैं अपने मतलब भाई के साथ शूट करने आई थी, तो मेरा शूट तो कंप्लीट हो चुका है, बट मैं सुबह से आई थी 9 बजे, अभी 4 बज रहे हैं। और हम मतलब एक लड़के को देखे जो सुबह से लेकर अभी तक बैठा हुआ है, मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चंदन, एक बार लड़के को दिखा देना। तो आपने देखा वो लड़का मतलब सुबह से बैठा हुआ, जब से मैं आई हूँ तब से बैठा है, बहुत सैड टाइप का है, मतलब एक पार्क के कोने में बैठा हुआ है, बैग वैग भी उसके पास, पता मुझे नहीं पता है क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर उससे बात करती हूँ, बट जाने से पहले मैंने सोचा एक बार कैमरा ला दूँ, अगर ये वीडियो डालने लायक होगी तो हम वीडियो ज़रूर डालेंगे और आपको ये वीडियो देखने के लिए भी मिलेगी। तो मैं चलती हूँ, पहले उससे मैं बात कर लेती हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, क्यों सुबह से यहाँ पर बैठा हुआ है। तो चलिए। हेलो जी, क्या कर रहे हो आप? आप परेशान मुझे क्यों कर रहे हो? मैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, आप यहाँ से जाओ, मुझे आप अकेला छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं कर रही हूँ, मतलब आप बैठे थे तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। मतलब कोई फ़ायदा क्या हुआ बात करने से? मैं तो आपको जानता भी नहीं। तो एक बात बताओ, आप रोड पे चलते हो, ऑटो लेते हो, बस लेते हो, क्या सबको आप जानते हो? नहीं जानते हो ना? तो और अभी तो नहीं अभी तो आप बोले ना, आपका मेरा हमको आपका नाम पता आपने है, नाम पूछा तो कोई भी नाम बता देगा। हाँ तो ठीक है, जान गए ना, इससे ज्यादा जान पहचान की क्या ही जरूरत है? आप मेरे प्रॉब्लम को सुनेंगी तो क्या आप मेरा हेल्प कर सकती हैं? हेल्प करने लायक रहेगा तो जरूर करेंगे, क्योंकि एक्चुअली देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं सुबह से आपको मतलब मैं अभी सुबह से इस पार्क में हूँ और मैं सुबह से आपको नोटिस कर रही हूँ कि आप मतलब पार्क इस कोने में अकेले बैठे हुए हैं। तो वो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा था, मैंने आपसे सोचा मैं बात करूँ, मे भी कुछ प्रॉब्लम हो मैं सॉल्व कर सकूँ। तो ऐसे मैं मेरा बचपन से एक प्रॉब्लम था, मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी कभी अपने लोगों पर या किसी अनजान लोगों पर खासकर भरोसा नहीं करना चाहिए। बस मैंने अपनी माँ की बातों को फॉलो नहीं किया उसी का। बट आप मेरे भरोसा कर सकते हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं आपका ये बैग भी नहीं चोरी करूँगी, आप भरोसा कर सकते हो? कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं भरोसा आप कर सकते हो। कोई देखिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप शायद मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, मगर मेरे लायक होगा सॉल्व करने तो मैं ज़रूर करूँगी, इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल पीछे। आप पहले बताएं तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मुझे बचपन से पढ़ना तो पसंद था, बल्कि पढ़ाई के साथ ही मुझे कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट को भी लोगों को दिखाना था। मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था मार्शल आर्ट करना, डांस करना, किसी को एंटरटेन करना, मिमिक्री करना, सिंगिंग करना, लेकिन मेरे फैमिली में लोगों को पसंद नहीं था कि मेरे बच्चे को लोग धोखा ना दें, यही मेरे साथ हुआ। आप घर से भाग के आए हो यहाँ पे? आपको कैसे पता? नहीं, आप जो बात बोल रहे हो तो मुझे लगा कि आप घर से भाग के आए हो। ऐसा ही आप समझ लो, मुझे घर से भागे हुए लगभग यहाँ 1.5 दिन मुझे होने वाला है और आज रात को मुझे पटना में रुकना पड़ेगा। 1.5 दिन से यहाँ बैठे हो पार्क में? जी, कितने लोग आए मेरा इंक्वायरी करके गए, फिर भी मैंने उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कुछ खाने के लिए दिया तो मुझे डर था वो मेरे खाने में किसी तरह का कोई पॉइजन ना मिला दें। मैंने खुद ही मेरे पॉकेट में अभी मात्र 150 रुपया, तो मैंने वही थोड़ा सा बिस्किट और ब्राउन ब्रेड वगैरह। तो आप घर से भाग के क्यों आए हो यहाँ पर? मतलब यहाँ पे कोई आप... मैं किस मुँह से दिखाऊँ अपनी माँ को? मतलब यहाँ आने का कोई रीज़न? ऐसा मेरे फ्रेंड बोले थे, वो इस्लामपुर रहते हैं, मैं इस्लामपुर से भागा हूँ, इस्लामपुर बूढ़ा नगर माली टोला। ऐसे मेरा छोटा सा फूल माला का कारोबार है, मैं पढ़ाई भी करता हूँ, अभी मैं 10th क्लास में हूँ। पिछले साल किसी प्रॉब्लम के कारण मेरा एग्ज़ाम मिस हो गया, तो मेरे फ्रेंड ने बोला तुम बहुत अच्छा मिमिक्री करते हो, सिंगिंग करते हो, पटना में बहुत अच्छा एक्टिंग एकेडमी है, मैं तुम्हें वहाँ एडमिशन करवा दूँगा काफ़ी कम प्राइस में। तो उन्होंने मुझसे परसों ही 10,000 रुपया लिया, मेरे अकाउंट में मात्र 10,312 रुपये थे। और उसके बाद मैंने
उन्हें कॉल किया, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने उन्हें बहुत जगह ढूंढा। ये बात घर पे पता है? नहीं, मैं मम्मी को नहीं बताना चाहता, उनको बहुत बुरा लगेगा। एटलीस्ट बता देना चाहिए ना, माँ बाप अपने बच्चों की खुशी ही चाहते हैं। अगर अब आए तो बता देना चाहिए। मैं आया था पटना में कुछ करने के लिए, अब यहाँ से खाली हाथ जाना तो सही नहीं होगा। मैं पूरी तरह पटना के बारे में जानता भी नहीं हूँ। मैं यहाँ ऐसे जॉब के लिए आया था, मगर लोग मुझे इतनी जल्दी बेवकूफ़ बना देंगे, मुझे पता नहीं था। तो मतलब आपका फ्रेंड वो पटना में ही रहता जो आपको क्लास के लिए बोला था? नहीं, मैं तो पटना में फर्स्ट टाइम आया। वो तो नहीं, आपका जो फ्रेंड आपको यहाँ बुलाया था वो पटना में बोला था? मेरे फ्रेंड का यहाँ कोई, यहाँ जैसे फिल्म वगैरह से रिलेटेड एकेडमी है, बट यहाँ मैंने पता कि यहाँ आसपास कोई ऐसा एकेडमी नहीं है। अब दो दिन से पार्क में हो, मतलब सीरियसली अब कुछ खाए पिए हो? जी, बिस्किट और ब्रेड वगैरह। ये खा के दो दिन से हो? जी। ओह माय गॉड। अच्छा अच्छा, आप ये क्या आप मिमिक्री वगैरह भी करते हो ना? आपने अभी बोला आप डांसर जैसे, आप मतलब कुछ आप में इतना टैलेंट है, फिर आप क्यों इतना, मतलब वही कहते हैं ना लोगों के पास टैलेंट नहीं है। अच्छा, ऐसा थी जैसे दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो असली हीरे की परख को नहीं जानते। हाँ, वही बस बात है, यहाँ लोग पैसों से ही मतलब रखते हैं। ऐसा नहीं है, आपको ये चीज़ देखिए, अगर आपको ये चीज़ लगता है तो आप सही जगह पे नहीं गए हैं। इसका मतलब अगर आप सही जगह पर जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल चीज़ नहीं है कि मतलब लोगों को पैसे से ही आपका टैलेंट दिखता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत जगह अभी हो गया है कि टैलेंट जहाँ रहता है पैसे, टैलेंट जो है वो दब जाता है पैसे के नीचे, बट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप मिमिक्री कुछ करके बता सक दिखा सकते हो? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। एक्चुअली मैं मतलब एक यूट्यूबर हूँ जी। मेरा यूट्यूब आप यूट्यूबर हो? हाँ, मेरा रियलिटी में आप यूट्यूबर हो? हाँ, मैं यूट्यूबर, आप चैनल देख सकते हो मेरा। तो मतलब एक्चुअली मैं यहाँ शूट करने के लिए आई थी, और मेरा मतलब एक, मैं बहुत सुबह से ही शूट कर रही थी। वहाँ पे देखिए मेरा कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे, तो मैं चाहती हूँ। हाँ, आपका कैमरा? हाँ जी जी, वो मेरा कैमरा है। तो मैं ये चाहती हूँ ना कि आप जो भी अभी मतलब आप बोले कि आप मिमिक्री कर लेते हैं, डांसिंग कर लेते हैं, तो आप कुछ ऐसा करके दिखाना ताकि मेरे जो ऑडियंस हैं वो, पता है ऑडियंस में बहुत पावर होता है, वो आपको आज बोल नहीं रहे हैं, आज मैं जो भी हूँ मेरे ऑडियंस जैसे हूँ, वो आपको बहुत कुछ बना सकते हैं। बड़े बड़े आपके कहने का मतलब है यदि दुनिया मुझे सपोर्ट करेगी तो जरूर सपोर्ट, अगर आप में वो सच्चा टैलेंट है तो जरूर सपोर्ट करेगी। ऐसा नहीं है, बस बोल नहीं रहे आप में टैलेंट है, बट वो लोगों तक पहुँच नहीं पाया इसलिए लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आप कुछ ऐसा करके दिखाए ताकि इस वीडियो के थ्रू वो टैलेंट लोगों तक पहुँचे। मैं मार्शल आर्ट या मिमिक्री या सिंगिंग वगैरह कर सकता हूँ? हाँ, कर देखेंगे। हाँ, जरूर देखेंगे, आप करिए। तो अभी उदास हूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, देखिए एक चीज़ बताइए, आपके सामने एक ऑफर तरीका है, ऑफर है, क्योंकि ये जो वीडियो जाएगा लोगों के पास तो वो लोग ये वीडियो को देखेंगे, और जब आपके में वो टैलेंट है वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जी, मैं जरूर कोशिश करूँगा। हाँ हाँ, आप सियोरली मैं करूँगा। हाँ, एक बार आप कोई कुछ भी मिमिक्री करके बता दिखा सकते हैं। आप रख दीजिए बैग को यहाँ पे अच्छे से। इसमें मेरे ड्रेस अप वगैरह, कुछ कुकीज है, कुछ कपड़े हैं। हाँ हाँ, आप जैसे दी, आपको कौन सा एक्टर पसंद है? धर्म पाजी? हाँ हाँ, कीजिए। माँ कसम बसंती, तुम याद रखना कि किसी पर भरोसा करना बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी है। और गब्बर सिंह, तुम भी याद रखना, अगर मुझसे पंगा लोगे तो मैं तुम्हें तोड़ पड़ोड़ दूंगा। सुना बेटे सनी? पापा, इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है, और गुस्सा उस पर दिखाना चाहिए जो आपके साथ गलत करते हैं। अच्छे लोगों पर गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। वेरी बैड पापा, वेरी बैड। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या टैलेंट है यार, मतलब मजा आ गया तुमको सुन के। कहाँ थे? हाथ मिलाओ यार, हमको तो ऑटोग्राफ चाहिए, हम सबसे पहले फैन हम तुम्हारे बन गए। हमको सुन के एक बार और प्लीज, एक बार और सिंगिंग, मतलब कोई होता ना मिमिक्री टाइप का, लड़की की आवाज़ में लड़की आवाज़ निकाल लेते जी, मैं लड़की। हाँ, एक बार, एक बार प्लीज प्लीज, हम सही में पहले अभी हम तुम्हारा हमको चाहिए ऑटोग्राफ। भाई यार, क्या टैलेंट है तुम्हारे में, मेरे में वो टैलेंट नहीं है। दी, मैं एक तरह के स्क्रिप्ट ऐड कर सकता हूँ, बाबूराव और लड़की? हाँ हाँ, आराम से। ये अरे अंजलि, मैं तेरे को कितनी बार बोला, जा मेरा बाटली से दो क्वार्टर दो घुट मार ले। क्या बाबूजी, आप भी एकदम पागल हो रहे हैं क्या? आप मुझे दारू पीने के लिए सिखा रहे हैं? मतलब ये आप बुरा आदत मुझे आप सिखाते रहोगे, बताओ मेरे पापा को पता चलेगा क्या सोचेंगे।
ये बाबूराव का बात सुनने का, ज्यादा बहस नहीं करने का, जा बाटली से दो क्वार्टर मार ले, ना तो तेरे घर के बगल में अंग्रेजी शराब खाना वहाँ से चार बाटली ले गया। आप इतने गंदे हो, माय गॉड, बताइए, मैं डाब पानी पीती हूँ, ऑरेंज पीती हूँ, और अब क्या शराब पीने का एडवाइस दे रहे हैं? अब से मैं बात नहीं करूँगी। बात ये तू जा रहे, जा, तेरे से नहीं होगा बाबा। गजा जियो, मतलब मजा आ गया यार सुन के। हम सही बता रहे भाई, सबसे पहला फैन हम है तुम्हारे, कितने ही बड़े तुम, सही बता रहे, जो तुम्हारा टैलेंट है ना, तुमको इतना आगे ले जाएगा ना, तुम मतलब लोग इसको कदर नहीं करते हैं ना। देखिए तुमको एक चीज़ बता रहे हैं, एक टाइम आएगा कि हम बोल ही रहे सबसे पहले लाइन लगेगा ऐसे ऑटोग्राफ लेने के लिए तुम्हारे पास। थैंक्स दीदी, शायद ये सच होगा भाई, तुम्हारा जो टैलेंट है ना, देखना लोग तुम्हें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारा जो टैलेंट है, मतलब मास्टरा बहुत ही अच्छा टैलेंट है, मतलब बता नहीं सकते। बहुत बहुत थैंक यू दीदी, गॉड ब्लेस। मतलब सही बता रहे हैं, हम ऐसा सोचते हैं ना कि काश मेरे पास वो टैलेंट रहता, मैं अगर किसी को ऐसा करते हुए देखती हूँ। ऐसे भगवान भी मुझे अकेले ही धरती पर लाया है, मैं ऐसे सिंगल हूँ, मेरी ना कोई दीदी है ना कोई भाई, मैं अकेला आज से हूं। नहीं, आज से मैं तुम्हारी दीदी हूँ। अच्छा एक चीज़ और मैं कह रही थी कि जैसे तुम्हारा जॉब का जो है सीन, तो मतलब मेरा एक प्रोडक्शन, जैसे मेरा ये यूट्यूब चैनल है, तो हमारा चार पांच चैनल है और मेरा एक प्रॉपर मतलब एक प्रोडक्शन है, तो मतलब वहाँ पर ना एक के, जैसे हम लोग कैमरा मैन के लिए बात कर रहे थे कि मतलब कैमरा मैन जो होता है ना, जैसे जी कैमरा के बारे में मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, टेंशन नहीं लो, वो सिखाने की जिम्मेवारी मेरी। जैसे अभी तुम्हें जॉब की नीड है ना, तो क्योंकि देखो ऐसे हो जाएगा ना कि मतलब अगर तुम खुद से, क्योंकि मैं तुम्हें जॉब दिला दूँगी, तुम खुद से अपना जो भी है अपना मैनेज कर लो, जैसे बोल रहे घर पर कैसे जाएंगे, तो तुम खुद से ये सब चीज़ मैनेज करना अपना। और बात रहा कैमरामैन का, तो मैं एक बार बात कर लेती हूँ अपने प्रोडक्शन में, एंड देन तुम जॉब के लिए मतलब सैलरी आपके ग्रुप में मैं ऐड हो सकता हूँ। हाँ हाँ एकदम बेफिक्र, मतलब हमें नीड थी ऐसे टैलेंटेड बंदे की। कहती थी कि अच्छे लोग भी होते हैं, मगर आज दुनिया ने दिखा दिया कि अच्छे लोग भी नहीं। हम सही बता रहे हैं, हम लोग हमारे टीम को ऐसे टैलेंटेड बंदे की, मतलब तुमको पता है तुम क्या चीज़ हो यार। अच्छा रुको मैं बात कर लेती हूँ, देन बताती हूँ। हाँ दानिश कहाँ हो? रूम पे। अच्छा वो बोल रहे थे कि जो कैमरामैन के लिए बोल रहे थे, वो मिला क्या? कहाँ अभी कुछ हुआ यार, अभी ढंगला मिले तब तो। अच्छा ये बोल रहे थे ना कि एक लड़का है, मतलब 10th पास आउट है और अभी जॉब के लिए मतलब ट्राई कर रहा, पढ़ाई भी करता है, तो उसको जॉब का नीड था, तो रख लेते हैं ना उसको। मतलब उसको नॉलेज नहीं है अभी, मतलब कहीं कैमरा इससे पहले किया नहीं है, बट सिखाएंगे तो कर लेगा, उसको नीड था, देन इसीलिए कह रहे थे। कहाँ मिला? पार्क में वो शूट कर रहे थे, सुबह मैं ना शूट के लिए चंदन के साथ, तो वहीं पे देखे बंदा मिला। आते हैं तो बताते हैं ना, बात करते हैं ना। अगर ठीक है लड़का, देखने में ठीक लग रहा है तो काम कर। नहीं ट्रस्ट वाला बंदा है, मतलब वही ट्रस्ट वाला बंदा है, कोई दिक्कत नहीं होगा और रख सकते हैं। तो लेके सीधे ऑफिस में आ जा, हम देखते हैं। ठीक है अब यहाँ से लेके ऑफिस में आते हैं। ठीक जॉब फाइनल दीदी, श्योरली आप प्रैंक नहीं ना कर रहे हो, मम्मी बहुत ज्यादा खुश होगी। गॉड प्रॉमिस प्रैंक नहीं कर रहे हैं, मतलब तुमको पता है कि लगता है कि ऐसा सीरियस मैटर पे हम तुमसे प्रैंक करेंगे? देखो तुमको पता है, तुम देखे कि मतलब मेरा चैनल है प्रैंक का, बट मैं प्रैंक नहीं कर रही हूँ। बहुत बहुत अरे कोई नहीं, अरे भाई ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, ऊपर आ जाओ। अरे भाई अरे नहीं रोते यार, बट दीदी बोले ना तो बस। बड़ी बहन क्या होती है, जब भाई मुसीबत में रहता है तो उसके साथ रहती है ना। दीदी मैं एक बात बोलूँ, मेरी दीदी थी, मैं ये बात कह सकता हूँ? हाँ हाँ आराम से, क्यों नहीं बोल सकते। वो मैं जैसे एक कर्नल की बेटी थी, उन्हें जान से मारने की कोशिश किया, मुश्किल से वो 2.5 महीने की बच्ची थी, अगर वो आज जिंदा होती तो हमसे 8 साल बड़ी होती, मतलब उनको भी कैंसर था, वो डेथ कर गई। मम्मी बहुत रोती, बहुत बताती, उनका मेरे पास फोटोग्राफ है, मैं भी आपको मैं शेयर कर दूँगा। बहुत जैसी दीदी, अपनी दीदी का बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरे लिए गैर होकर भी अपनों से ज़्यादा आप मेरे लिए मदद की। भगवान आपको दीदी ज़िंदगी में बहुत खुश रखे, मेरे तरफ से गॉड ब्लेस यू दी। अरे बस देखो वही है ना, देखो तुम्हें नीड थी, मुझे लगा कि तुम्हारे करना चाहिए, और मुझे भी नीड थी, ऐसा तो नहीं, मुझे भी नीड थी कैमरामैन की, और होता ना ट्रस्ट वाला बंदा चाहिए, मुझे लगा कि तुम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। देन कोई इशू नहीं है यार, चिल करो और रो दो नहीं यार। अब हाँ एक बार एक चीज़ और, मम्मी को बिना बताया हो तो मम्मी बहुत घबराती, 2 दिन से उनका हालत तुमको पता नहीं है,
तो तुम एक काम करो, तुम बात कर लो और कल तुम घर चले जाना, और कल के बाद फिर जब घर पर मम्मी को अच्छे से बताओ ताकि आना, देन तुम उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर देना, ठीक है? एक रिक्वेस्ट था। हाँ हाँ बोलो। क्या मैं अपना मार्शल आर्ट स्किल्स दिखा सकता? हाँ आराम से, ये पूछने वाली बात है, जरूर दिखाओ। सो प्राउड ऑफ यू भाई। अरे यार हमको प्राउड फील हो रहा है कि तुम मेरे भाई बने यार, कोई टेंशन नहीं लो, चलते हैं ठीक है? चलो ये बैग ले लो, मैं ये बैग ले लेती हूँ, चलो आ जाओ।